नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सिकंदरा कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील सभागार में जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील दिवस में अपने निर्धारित समय पर फरियादियों का हुजूम उमड़ा। वहीं कुल 128 शिकायतें दर्ज हुई। इन शिकायतों में 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, बाकी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं राजस्व विभाग को सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज हुई, तो वहीं मौके पर मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति, एसडीएम शिखा शंखवार, तहसीलदार संतोष कुमार, अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि बाकी शिकायत का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए नरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर, आप सिकंदरा तहसील में संपूर्ण समाधान जिला आयोजन किया गया, सर किसी शिकायत में 128 शिकायतें कितनों का निस्तारण किया? 4-5 का हो गया है और शेष समय अवधि के अंदर होगा और जो ये मैंने आगे और लगातार हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। सर, इस समय रबी की फसल की बुआई का समय चल रहा है, बिना सींच किए किसानों का बीज नहीं बोया जाएगा, लेकिन नहरों की स्थिति सर ये है कि नहरों में पानी नहीं है और वही नहरों को पक्का किया जा रहा है। 2 दिन पहले मैंने बैठक करके और सारे जहाँ से डिमांड आ रही है अगर रोस्टर में रिफॉर्म करके सर अन्याय औद्योगिक क्षेत्र की चिमनियों से सर इस समय जो दूसरे धुआं निकल रहा है जो कि लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। एक इंस्टॉलमेंट सिकंदरा तहसील में वाहनीपुर बांगर गांव पड़ता है, लगभग 45 लोगों को पट्टा आवंटन किए गए लेकिन आज तक कब्जा नहीं हुआ है। आपके समक्ष स्पेस में एक एप्लीकेशन आई थी, सीएम ने कहा है कि के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।